यूट्यूब चैनल रियू ब्लॉग्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं उठ चुकी हूँ 5 बजे, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर 5 बजे कितना अंधेरा था। और जो मेरा काम था, मैं उस काम के लिए उठी। और मैंने ये राहुल की टोपी पहन रखी है क्योंकि मुझे मेरी टोपी मिल रही थी, पता नहीं मैंने कल शाम को कहाँ खोला जो कि मुझे याद नहीं है। तो सुबह कमरे से बाहर निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो मुझे लगा मुझे राहुल का टोपी पहन के निकलना चाहिए बाहर। तो मैंने राहुल की टोपी पहन ली। मुझे पता है इसमें मैं बहुत ज़्यादा जोकर लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं। बाकी मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ, नज़ारे के सॉरी बाहर का व्यू, मतलब कि बाहर दिखाती हूँ कितना अंधेरा है यहाँ पे, 5 बजे कितना अंधेरा होता है। बाकी कुकी भी आग जलाने में बहुत ज़्यादा बिजी है, देख सकते हैं आप 5 बजे कितना अंधेरा है यहाँ पे। सारे सोए अपने अपने घरों में, बस सिर्फ जो वो पीयू की लाइट से वो चमक रहे, जो पीयू दिखता है, मैंने आप लोगों को बोला था थोड़ा बहुत, बस वो ही चमक रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो ये उजाला होता है 6 बजे शाम। बाकी जुड़े रहिए आप मेरे साथ ऐसे ही। Hey everyone, तो हम दोनों बना रहे हैं पूरियां, तो देख सकते हैं तो हम दोनों इतनी सारी पूरियां क्यों बना रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको बाद में आराम से बैठ के। तो एक बार बना लेते हैं फटाफट से। तो ये है मेरी पूरियां बड़ी बड़ी। ये देख सकते हैं ये मेरा पूरी है जो कि बहुत छोटा है साइज में। हमने पूरी खाना छोड़ा है बेटा, ये न्यूज़पेपर तक आए दो तो इसके नीचे तो नहीं चलते उठो, हम तो मिला न्यूज़पेपर पता नहीं अरे बोशी से आप अगर जी सीता इसको भी फोल्ड कर दो बेटा। जितना भी बड़ा बनाएंगे इसको ये छोटी बनते जा रहा, छोटी बनते जा रहा, क्या कर सकते हैं हम। हाथ में तो बहुत बड़ा दिख रहा है अभी ऐसे करने के बाद। गाइस दिया का पूरी देख सकते हैं आप, बताना मुझे किसका बड़ा था। A few moments later. Hey everyone, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मन्नत भी जा चुकी है स्कूल, और हमने जो हम सुबह पूरियाँ बनाए थे तो हमने वो भी बना लिया है। तो मैं आपको बताई देती हूँ कि मैंने इतनी सारी पूरियाँ क्यों बनाई है। तो हमारे मतलब कि किन्नौर में सब जगह होना रिवाज, ये तो मतलब कि रिवाज होता है, मतलब जनवरी से अप्रैल तक हम ये पूरियाँ देते। तो हम ये पूरियाँ किसको देते, जो इस मतलब कि इस घर से जो मतलब कि नानी वगैरह बुआ वगैरह, जैसे जो पापा की बहनें और राहुल की बहनें वगैरह, तो उनको हम मतलब आटा तेल भी दे सकते, तो पूरियाँ भी देते, अपनी मर्जी होती है कोई आटा तेल भी देता है तो कोई पूरियाँ बना के देता है। तो मैंने पूरियाँ बनाया उनको देने के लिए, तो ये सिर्फ जनवरी से ले जनवरी
फरवरी मार्च अप्रैल इन टाइम में ही दे सकते, बाकी इसके बाद नहीं देते। तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने बना लिया। तो इसको हम हमारे किन्नौरी लैंग्वेज में बोलते हैं बंठो। तो आज मैंने बंठो बनाया सबको देने के लिए। तो बाकी यही है, बाकी चलते हैं बंठो देने को। तो बहुत ऊपर ऊपर जाने का नानी वगैरह, तो मेरी तीनों जो बुआ जी हैं इस घर से, जो पापा की बहन है और जो राहुल की बुआ वगैरह, तो उन्होंने तीनों ने यहीं पंगी गाँव में शादी की है, तो उनको देना है। और थोड़े जो आपी की, जो मेरे आपी थे अभी थे उनकी बहनें वगैरह, उनको भी देना है। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगी किस किस को मुझे ये पूरियाँ वगैरह देना है। आधे तो मैं दे चुकी सुबह दो जगह पे ये हमारे पड़ोस में, तो अभी और देना है। तो बाकी मिलते हैं आपसे, मिलते हैं जुड़े रहिए यार मेरे साथ ऐसे ही। तो चलते हैं फिर, चलते हैं पूरी देने के लिए। एक यहाँ तो चलते हैं। देख सकती हैं आप, मैंने श्वेता को दे दिया अपना सामान क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत टफ है चलना यार। हे प्रभु भगवान जी, याद आ जाते। बाकी प्लेन हो तो रास्ता फिर भी चल लेते, यहाँ पे तो इतनी सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ चल चल के आदमी थक जाएगा। मैं सोचती हूँ बेचारी इतनी पतली होने वाली, सच्ची है, रोज़ इतना ऊपर से नीचे जाना पियो के लिए। हे भगवान कैसे चलते नहीं, मेरा कोई चलती पतली नहीं हुई हूँ बेवकूफ़। इसी गालियाँ सुनो नॉन सिंपत, चल की पतली होगी पूरा पता चलता है ना, इतना ऊपर घर और इतना नीचे आना पियो जाने के लिए। मेरी बात सुन, बोल। पहले नहीं हुई थी, मैं जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं मतलब वहाँ से यहाँ आती थी डेली, तब नहीं थी, तब क्यों नहीं थी तू हुई मैं पतली, तब मैं पता कितनी हेल्दी थी। अच्छा बहुत मोटी थी पहले, बीमारियाँ कुछ हो रही है। अच्छा मैं थोड़ी अच्छा हो गई। अच्छा कमजोर बोलते हैं, अच्छा पतली नहीं कमजोर बोलते इसको। तो बेचारी मेरी श्वेता बीमारियों की वजह से कमजोर है, चल चल के कोई कमजोर नहीं है, ये बीमारियों की वजह से कमजोर है बोला इसने। चलो इसका एक रास्ता तो पता चल गया आप लोग को भी, मुझे तो पहले ही पता था। मुझे सबसे प्यारा घर लगता है ये थनपंगी का पुराना घर। तो देख सकते आप कितना प्यारा है, पुराने पुराने घर कितने प्यारे थे, लकड़ी के बने हुए। तो मैं जब भी आती हूँ इस घर को ऐसे देख के जाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। देख सकते हैं आपको भी, आप भी। बाकी हम पहुंच चुके हैं एक वाली बुआ के घर, ये सबसे छोटी वाली बुआ, नहीं 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 बीच वाली बुआ है ना। तो हम उनके घर जा रहे, देखते हैं उनके घर में आज कोई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि हम आएंगे आज, तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ कोई हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर हमें पूरी ऐसी छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं सेफ जैसी जगह में छुपा के। हम आप चलते हैं। तो नन्हे तो मिले नहीं, तो यहाँ पे आपी है, जो मेरी आपी के, जो मेरे आपी थे उनकी बड़ी वाली सिस्टर है ये। आपी हेलो रिंगी, होने रिंगी हो तुम्ही ती तुम्ही। बाकी हम जा रहे हैं वापस, तो नन्हे तो मिले नहीं यहाँ पे, वो कपड़े धोने गए थे कहीं पे। बाकी आपी से मिली तो बहुत खुशी महसूस हुई आपी से मिलकर, क्योंकि जो मेरे आपी थे और यहाँ आपी बहने हैं, तो बता चुकी वो बहन है, तो उनकी शक्ल एकदम सेम है। तो आपी की याद दिला दी उनको, देखिए मुझे अपनी आपी की याद आ गई। बाकी अब दूसरी नानी के पास चलते, देखते वहाँ पर भी उन्होंने होंगे कि नहीं होंगे। मैं पहुँच चुकी अब सबसे बड़ी वाली नानी के घर में, सबसे बड़ी वाली बुआ के घर में। तो देखते हैं यहाँ पर मैं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जाके आती सबसे अंदर तो इतना बड़ा ताला दिख रहा है, देखते अंदर कोई है या नहीं। तो कब तक आते जाते जाने को घर है नानी, किसे जा रही है तू ऐसे कुत्ता इतना बड़ा? ना भाई मैं नहीं आती, जा फिर मैं तेरा वीडियो बना दे रूंगी, वीडियो में सब नजर आएगा, मैं नहीं आऊंगी बचाने। ऐसे जा रही चोरी करने से, ये कुत्ता ना हिल रहा है क्या ये? अगर आया ना मैं तो दरवाजा बंद करूंगी, बहन वहां से वहां जंप मारियो। ब्लैक डेविल, अबे बिल्ली कहां से मियाओ कर रही है? अब ये बिल्ली भी आ चुकी है मुझे डराने पीछे से। किस्मत फूटी मेरी, किसी से भी नहीं मिल पाई मैं,
बीच वाली बुआ जो थे वो भी थे नहीं घर में, और उसके जो बड़ी वाली बुआ थे वो भी थे नहीं घर में, उनके घर में भी आए कहीं जगह पे छुपा के रख दिया मैंने बुरी, तो इनको मैंने फ़ोन करके बता दिया कि वो मंदिर गए थे। बाकी अब सबसे छोटी वाली बुआ देखते हैं अब वो भी मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ से यनपंगी दिखता है, तो ये है यनपंगी और वो ऊपर है थनपंगी, वो थनपंगी ये यनपंगी। बाकी अभी हम पहुंचे हैं खंटा, क्या नाम है ना, खंटा थनपंगी यनपंगी, बस ये का नाम है, गांव एक ही है, अलग अलग नाम दिया है। बड़ी मुश्किल से छोटी वाली नानी के दर्शन हो ही गए, बाकी किसी वगैरह बुआ के दर्शन हुए नहीं। मेरी छोटी वाली बुआ बेचारे घर में ही है और मेरा यहाँ पे ये फंस गया, ये जगह मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। टुगु क्या टुगु ना ये मुझे सा, हेलो मैं टुगु है। अच्छा उसको उसको तो दान तुम्हारे। तो मैं यहाँ पे नानी की हेल्प करने के लिए रुक गई, हर तो मतलब क्या मैं नानी के घर में काम चलाओ इसलिए मेरे आए थे, तो मैंने सोचा नानी के साथ थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ खाना बनाने में। तो फटाफट से मैं कढ़ी बनाऊँगी और चावल तो लगा देंगे, तो मेरा कड़ी बन चुका है तो मैं अब उसको उबलने देती हूँ। A few moments later. Hey everyone, good afternoon. तो मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर से श्वेता के पास, तो बेचारी मेरा वेट कर रही होगी। ओके चलते हैं, जुड़े रहिए आप। Hey everyone, तो टाइम की बात करूँ तो अभी 2:30 बज रहे और मैं अभी तक यहीं पर हूँ कुकी के पास, क्योंकि लंच वगैरह मेरा यहीं पर हो गया कुकी के पास ही। तो बाकी अभी लास्ट पूरी बचा है, तो मैं अब यहाँ से वापस घर जाते हुए दूँगी, तो मैं अब घर जा रही हूँ। बाकी मैं दिखाती हूँ कि आपको मुझे अभी कहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ नीचे रोड दिख रहा है, वहाँ नीचे जाती सारी घरें, बस मुझे वहाँ जाना है अपने घर के लिए। बाकी उनके आपसे अब घर पहुँचने के। एवरी वन गुड इवनिंग, तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर, घर भी बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ, मेरे साथ आते वक्त बहुत बड़ा खप हो गया मुझे, मैं रास्ता भटक गई, मतलब कि जब मैं लास्ट पूरी देने जो अपनी नानी के पास गई थी, मैं बुआ के पास गई थी मैं, तो मैं वो पूरी देते समय आते वक्त उन्होंने मुझे शॉर्टकट रास्ता बताया कि यहाँ से परे जाना बोल के वो सीधा हमारे पंचायत घर निकालेगा और पंचायत घर से मेरा घर नज़दीक है, तो मैं नज़दीक शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ से आई और मुझे, मैं पहली बार ही उस रास्ते से आई तो मुझे रास्ते का पता नहीं चला, वहाँ पर 3-4 रास्ते अलग अलग ब्रांचेस बने थे तो मुझे पता ही नहीं चला किस रास्ते में जाना, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई वहाँ पे। तो फिर मैंने राहुल को वीडियो कॉल किया तो राहुल ने मुझे रास्ता बताया, तो मैं बड़ी मुश्किल से जाके घर पहुँची, नहीं तो मैं वहीं पर ही भटकती रह जाती। बाकी मिलते हैं आपसे अब कल की ब्लॉग में, क्योंकि अब मुझे मेरे सर में भी पेन हो रहा है सुबह वो तेल के धुएँ से, और दिन भर धूप में चले उस वजह से भी हो रहा ना हल्का हल्का मेरे सर में दर्द हो रहा है। बाकी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे कल।